Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. Guys, it's me Sweet Sanu and guys again I'm back with another amazing video. Today's which our video is Pakistani business class versus Indian business class. Pakistani airline ki business class kaisi hai aur Indian airline ki business class kaisi hai, comparison hone ja raha hai. To fatafat se video ko start karte hain, lekin usse pehle guys description ke andar mere second channel ka link hai, jaldi jaldi se wahan bhi jo hai 1k subscriber complete karwa de, wahan bhi ja ke zarur visit kijiyega. Achhi entertaining aur funny kisam ka content aap log ko aake dekhne ko. यार मैं कुछ ज्यादा तेज बोल रही हूँ, तो बहुत ही अमेजिंग किस्म का कंटेंट जो है वहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा. तो आप लोगों ने जरूर विजिट करना, इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा. तो पहले कौन सा देखें, पहले पाकिस्तानी जो है वो बिजनेस क्लास देखते हैं, फिर इंडिया की बिजनेस क्लास देखेंगे. और पूरा एक्चुअली मैंने व्लॉग इसलिए सिलेक्ट किए हैं क्योंकि अगर इनकी जितनी भी जो है ये PIA है पाकिस्तान की जो है वो एयरलाइन, अगर इसका विजिट उसकी जो है वो वेबसाइट पे जाकर देखो तो उधर तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं. ठीक है, इसलिए मैंने जो है वो व्लॉग्स चुने हैं क्योंकि व्लॉग के अंदर लोग जो है ना फिर जो जो उनको मुश्किलात आती हैं या अच्छा लगता है सारा कुछ, तो वो ऑनेस्टली जो है वो अपने रिव्यूज़ देते हैं, तो इसलिए हमने ये चूज़ किया. तो मैं जो हूँ ना वो सारा सारा व्लॉग नहीं देखे, जब वो जो है वो एयरप्लेन के अंदर जाएंगे वहाँ से हम अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट करेंगे. तो यस, ये एयरपोर्ट पे जो है वो जा रहा है. माशाल्लाह ठीक ठाक बड़ा एयरपोर्ट बनाया हुआ है. फ्लाइट का तो इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे करेंगे, लेकिन आज इंशाल्लाह अपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का रिव्यू भी करेंगे. चलो इसके साथ एयरपोर्ट का भी रिव्यू देखते हैं. सर इसलिए हम लोग आगे वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट में जो कुछ दिन पहले आए थे. ठीक है, अच्छा एयरपोर्ट है, लाहौर से मुझे बड़ा लग रहा है. रैपिंग से एक फायदा होगा कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो जाएगी. माशाल्लाह दिल खुश हो जाता है इतनी सफाई और इतने बड़े एयरपोर्ट को देखे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का बनाया हुआ. फाइनली सिक्योरिटी इंटरनेशनल लेवल के देखे, अब हम लोग जा रहे हैं अपने गेट की तरफ. लेकिन एक बात है, अपनी सिक्योरिटी काफी टाइट है पाकिस्तान की. जद्दा की तरफ जा रही है, नाउ चेक इन B1 गेट है. स्मोकिंग टेरेस, प्रे रूम्स, वॉशरूम्स, बेबी केयर, माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पे आपको मिल जाती हैं सर्विसेज, अमेजिंग सर्विसेज. चॉकलेट्स वगैरह अगर आप गिफ्ट्स वगैरह पाकिस्तान से आपको किसी के लिए ले जाने हैं तो यहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा. चूंकि डेडिकेटेड खेलने की जगह भी है जी, और यहाँ पे आपको बहुत बड़ी जो है ना नमाज पढ़ने की जगह मिल जाती है, मेनी मस्जिद. और अभी हम लोग आ गए, यहाँ पे छोटा सा एक लॉन्च है वहाँ पे बैठे हुए, और ये जो ग्रीनरी देखे ना यार, लुक एट दिस ब्यूटीफुल ग्रीनरी जो इन्होंने एयरपोर्ट के बीच में बनाई हुई है. लेकिन जो मेरी फेवरेट जगह है कॉफी प्लानेट, ये है जी कॉफी इस्लामाबाद एयरपोर्ट, अच्छा लग रहा है. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉफी उतनी अच्छी है कि मैं इसको ए स्टार दे सकूं. अस्सलाम वालेकुम, एक्सक्यूज मी, ब्लैक कॉफी है आपको? ब्लैक कॉफी है. कौन सा चाय? वलायती, आई थिंक ये देसी है, स्टिंग. लेकिन मैं अभी दोनों में से कोई भी नहीं पियूंगा, कितना मोटा है. ब्राउन शुगर, मैंने एक चीज अलबत्ता नोट ये किया कि पाकिस्तान में डाइट शुगर का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्राउन शुगर का ज्यादा कॉन्सेप्ट है. ब्राउन शुगर ली, ओए ओए ज्यादा ही कुछ ब्राउन है ये. ये अजीब और गरीब से मैंने जो है ना इसको मिक्स किया. भाई को मैंने कहा था मुझे ब्लैक कॉफी दो, उन्होंने मुझे एस्प्रेसो दे दिया, बट स्टिल ओके. उसको पता है स्ट्रॉन्ग बहुत है, लेकिन कोई मजा नहीं आ रहा कॉफी का पाकिस्तान में. एनीहाउ आज फिर मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर ट्रैवल कर रहा हूँ, इस्लामाबाद टू जद्दा. अपनी एयरलाइंस है ना यार, चाहे जो कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे अपनी है, बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह. फिर आप एक्सपेक्ट करें एक और बिजनेस क्लास रिव्यू, उम्मीद है कि इस मरतबा का रिव्यू लास्ट टाइम से बेहतर होगा इंशाल्लाह. बोर्डिंग होने से पहले मैंने स्निकर्स ले लिया ताकि जहाज में अगर कुछ खाने चॉकलेट मुझे बड़ी पसंद है. आराम बांधने की जगह. बोर्डिंग का टाइम शुरू हो गया और हम B1 गेट पे पहुंच गए. B1 गेट, यहाँ से हमने जाना है. माशाल्लाह ह्यूज ह्यूज एयरपोर्ट बनाया हुआ है, ह्यूज एयरपोर्ट बनाया हुआ है. थोड़ी सी डेकोर एंड डिजाइन में थोड़ी इन्होंने कमी छोड़ी है, बाकी एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली परफेक्ट. वो PIA का जहाज जिसमें हमने बैठ के जद्दा जाना है इंशाल्लाह. जी चार्जिंग की सहूलत भी है आपके पास, मोबाइल फोन आप चार्ज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. सुभानअल्लाह, जो चीज मैंने तुर्की के एयरपोर्ट पे देखी थी वो इस एयरपोर्ट पे देखी है अपने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे. अच्छा यहाँ एयरपोर्ट तो बहुत खूबसूरत, और तीन मुख्तलिफ प्लास्टिक फेंके यहाँ पे, यहाँ पे मैगजीन्स फेंके और न्यूज़पेपर फेंके, यहाँ पे जनरल वेस्ट फेंके, तीन ऑप्शंस मिलते हैं आपको. यहाँ पे इस तरह की सीट्स भी मिलती हैं जिसपे आप स्पून से लेट सकते हैं, और एक सीट के ऊपर मैं लेटा हुआ भी. बिजनेस क्लास के लिए अलग से जो है ना इन्होंने टनल बनाया हुआ है, दूसरी क्लास है उसके लिए वहाँ पे,
और दिस इज़ फॉर बिजनेस क्लास सर हमें क्या टूअर ये जी टूअर यानी कि वो मेरी जगह ये वाला जो जहाज़ है ना इसकी बिजनेस क्लास काफ़ी डिफरेंट है लास्ट टाइम थोड़े से हालात टाइट थे लेकिन दिस वन इज बिट बेटर ठीक ठाक लेग स्पेस मिलती है ना तो आराम से आदमी लेट सकता है अमेजिंग ये लास्ट टाइम नहीं था आई डोंट नो ये किस लिए लेकिन इस जहाज़ के अंदर सीट्स की बैक साइड पे ये ज़रूर है दो दो विंडोज मिलती हैं एक यहाँ पे और ये मेरे बिल्कुल पास ग्लास काफ़ी साफ है लास्ट टाइम साफ नहीं था ज़बरदस्त हमारे पास किताबें पढ़ने के लिए लाइट्स भी हैं यहाँ पे मीनिंग के लोग किताबें काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं पीआईए पे लग ऐसा रहा है कि मेरा ये वाला सफ़र काफ़ी आरामदेह और मज़ेदार होने वाला है लास्ट टाइम इसने जो है ना हालत काफ़ी ख़राब की थी मेरी बट सीम्स लाइक इस दफ़ा ये सही काम कर रहा और ये बाहर नहीं कर रहा इस मतलब इन्होंने सही स्क्रू लगाए हुए हैं सो मीनिंग दिस इज़ गुड परफेक्ट ये इस मतलब नहीं टूटा हो बैठने पर हिफाजती बेल्ट बांध लीजिए हिफाजती जैकेट आपकी दरमियानी आर्म रेस्ट के ऊपर रखी है और पीआईए के इस जहाज को कहते हैं B777-300ER और अल्लाह माफ करे ये कभी भी ना यूज में है कि सब ठीक है यार ये पता नहीं क्यों दिया हुआ होता है इसके अंदर क्या है बिजनेस क्लास ये लाइफ वेस्ट है इसके अंदर अल्लाह ना कभी यूज नॉर्मल सीट्स पर ये जो है ना ये पता नहीं क्या है ये जो है ना लिटरली स्मेल काम करते हैं क्या जबरदस्त लाइट आती है उनकी जहाज की जितनी भी चीजें ना ये सबसे अच्छी लगी है मुझे दो चीज़ों ने मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ाई हुई है एक तो ये तो समझ आ रही है लेग स्पेस के लिए अब ये क्यों दिया हुआ है इसका मुझे कोई समझ नहीं आ रही है क्या व्हाट इज दिस तीसरी चीज़ ये जो दो सौराख है ना ये क्यों दिया हुआ है इनका मुझे नहीं पता दिल तो कर रहा है कि मैं इनसे पूछूं बट थोड़ी शर्म भी आ रही क्या पूछूं से सबर कर रहे हैं और पीआईए की जानिब से पेश की मुबारकबाद देता हूँ अल्लाह हाफिज़ मेरे पाकिस्तान वैसे एक बात ज़रूर है कि पीआईए के पायलट्स की अदाद देनी पड़ेगी टेक ऑफ और लैंडिंग लास्ट एरोप्लेन में भी और इसमें भी बहुत स्मूथ और बहुत ज़बरदस्त गई ब्लैंकेट दी गई है जी क्योंकि ठंडक बढ़ गई थी क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम है तो हमें ब्रेकफास्ट दिया गया यहाँ पे हमारे पास इसको खोलते हैं इंशाल्लाह तबारक अल्लाह ऑमलेट मशरूम्स वेजिटेबल ये कीमा ये क्या पैन केक और ये क्रोसोन भी दिया इन्होंने साथ ये तो ताज़ा लग रहा है नॉर्मल साथ में और फ्रूट्स ऑमलेट मज़े का होगा ऑफ कोर्स फ्रेश है अभी तो ये सीट बनी हुई है लेकिन इसको मैं अब बेड बनाऊंगा सिर्फ एक बटन दबाने से वेलकम टू जद्दा हाय गर्मी गर्मी काफी सख्त है बट ओके तो ये थी पाकिस्तान की जो है वो पीआईए की बिजनेस क्लास अभी इंडिया की बिजनेस क्लास इंडियन एयरलाइन की बिजनेस क्लास को जो है वो चेकआउट करते हैं वो कैसी है तो ये थी अ फ्यू मंथ्स अगो एयर इंडिया टुक डिलीवरी ऑफ इट्स ब्रांड न्यू A350 टुडे आई एम रिव्यूइंग इट एंड विल आंसर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाइक हाउ गुड लुकिंग आर द क्रूज यूनिफॉर्म Can you ask for more than one meal and most importantly, does the food taste good? But first, here is something useful. If your airline supports DigiYatra, just sign up. You can easily skip queues. This one time, the only reason I did not miss my flight was because of DigiYatra. Once inside, the red carpet was rolled out at the check-in counter. But wait a second. Here is how I bought this ticket. I got this ticket at a 40% discount and this is how. I actually bought an economy ticket and then got this email from Air India to upgrade for just 14,000 rupees. Considering it would cost over 35,000 if you buy one normally, this 20,000 rupee alternative was a steal I couldn't say no to. Now back to the check-in counter, it was pretty smooth. I was given all the details, my bag again became Bhagwati and then I was told... So I left for the lounge, but before that I had to get past security and guess what? This is definitely one of the biggest perks of flying business class is you get to skip all the queues. Everyone's walking around there, but you just get to whisk past everyone. It's pretty good. Business the class one ke lagne chashke. But then the buffet area was worn out and I filled my plate with some chicken and fruit. That was extremely salty. Pakistan mein nahi hai buffet wagaira na? Watermelon is the only saving grace here.
to give you a comparison, not because I had a lot of time in hand, I went to the other lounge, NCOM. The NCOM guy basically got me in. He realized that, you know, I was traveling business and he was just being super nice. He's given me this space. He said, you know, you can chill by yourself. It's pretty cool, right? I'm here by myself, loving it. I'm glad that I got out of the Maharaja lounge and now I have all the space to myself. I am quite tempted to try Pakistan the food. Pakistan mein aisa koi scene nahi tha. Let's see what it's like. Yum. I love Delhi paneer. It's so good. The chicken. Tender, succulent, super good. After enjoying some privacy, I realized, as usual, I ended up spending way too much time at the lounge. And now I'm late, I'm hurrying up. Only to find myself at the boarding gate, think they missed out on the separate bus for business class passengers. There's barely any space to breathe in here. I don't even know what's happening anymore. But eventually, I got a glimpse of the beautiful A350 in all its glory and I made my way inside. 5 kilo, straight and left. This new layout screams privacy and quality. You get your own cocoon, comes with a blanket, a headset, Lord, which definitely needs to be upgraded. Check karo. But tons of storage spaces with mirrors. Clearly too excited to see my own beautiful face. You like yourself a lot. Favorite. As I was playing around, Manisha dropped by. Thank you so much. And as I sipped on this yummy orange juice, Varsha dropped by. Hot for you. Yes, please. Kuch thank you. Trying to get rid of all the Delhi pollution. You also get a menu that you can choose your hot or cold beverages and a main meal from. I think we all know what I'm gonna get. Pretty much everything. And I did shamelessly ask for it. Vegetarian, if there's an additional masaman vegetable curry, then I'd like to try that as well towards the end. If at all there's one extra. Okay. Okay. After that awkward conversation, I wanted to hide my face, so bounce for the washroom. Okay, so it's nice, neat and clean. Then we took off and thanks to this new in-flight entertainment system, I could see us taking off through the camera outside. Now let me show you a little more of this suite. Coming to the lie-flat bed. It's a proper lie-flat bed. This is Kamal ki business class. We had dreamed to be flying this over 12 hours, 14 hours to New York, Toronto and places like that. But yeah, super, super comfortable. Finally, it was dinner time. Manisha laid the table. Thank you. That looks lovely. And got me started on the soup, bread and salad. However, the soup presentation food jis tarah unhone kiya bahut garlic achha. Bread well. But the salad simply smelt off and the bun. The Vistara bread is always on point. With a chewy skin. But it's pillowy soft on the inside. Later it was time for main course. First took a bite of the rice and vegetables. Grainy rice, fresh vegetables, the sauce is on point. Time for the butter garlic prawns. Really yum. Salty again. Manisha brought me an extra dessert, the veg masaman curry and the malai kofta meal. Now we are talking. The masaman curry was alright, but the malai kofta and veggies and rajma made a comeback. Ooh, not a big fan of the cream. The rest of the dessert is pretty good. Flavor of khajur, in fact all of that is khajur, so it's got like a very balanced kind of khajur. It's not too overpowering. Yum. And then I spilled all the sparkling water, but guess who came to my rescue? Yes, Manisha. Yeah, I actually spilled the... Yeah, I'm so sorry. I had to go thank the crew, especially Manisha, for taking such good care of me. I understand there were a few niggles here and there, especially with the food. But overall, this transformation journey of Air India is definitely headed in the right direction. Now back to the good life, I was handed over a towel and it was time to land. Again, I could see the aircraft aligned to the runway and land. That was a pretty good thing. Welcome to Capricorn International Airport to Bengaluru. We apologize for the delay in arrival. However, we did arrive a little late, but the bags were out quickly and I've made it to the bus stand because I don't think I want to pay or can afford to pay 1300 rupees to go back home to Bangalore. That's just crazy. Yes, you must be wondering, bugger flu business class and all of that. This is what you have to do behind the scenes to be able to afford business class for normal people like me, okay? Anyway, hope you guys had fun and hope you guys had fun watching this video. And for more food and fun, subscribe to D3E.
बहुत ही अच्छी बहुत ही कमाल की ये वीडियो थी. और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि पाकिस्तानी बिजनेस क्लास और इंडियन बिजनेस क्लास में आसमान और ज़मीन का फ़र्क लग रहा था. इतनी वहाँ पे फैसिलिटीज़ इंडियन एयरलाइन के अंदर, बिजनेस क्लास के अंदर, फूड के अंदर इतनी ज़्यादा वैरायटीज़. और उसके बाद वो स्क्रीन लैंडिंग करते हुए भी ठीक है वो दिखा रहे थे. बाद देखा जाए कि वो पूरा प्रॉपर वे में एक वहाँ पर मनीषा थी और वो एयर होस्टेस थी और उनको जो है वो प्रॉपर वे में उसको लड़के को गाइड भी कर रही थी और उसको जो है वो उसका वो जूस सा भी गिर गया वो भी साफ किया. मतलब वो बहुत ही काइंड सी उसके साथ थी. और ओवरऑल देखा जाए तो वो उनके अलग अलग कैबिन से बने हुए थे, प्राइवेसी वाला माहौल था. लेकिन पाकिस्तान की एयरलाइन पीआईए के अंदर देखा कोई मतलब प्राइवेसी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था. मतलब एक नॉर्मल सी जो सीट्स होती हैं वो दी हुई थी और उनको बिजनेस क्लास का नाम दे दिया था. लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि बिजनेस क्लास वालों के अलग ही शशक है भाई. इंडिया के अंदर उनको पहले अलग एक लॉबी में बिठाया जाता है, फिर इतनी ज़्यादा बफे, फूड वैरायटी इतनी ज़्यादा, और फिर उनको बड़ा ये जिसे कहते हैं प्रोटोकॉल दिया जाता है. लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं. आप पैसे भी पे करते हैं आपको कुछ नहीं मिलता, कुछ हासिल नहीं होता. तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइएगा. तो चलिएगा, सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बाय बाय.